सबसे पहले तो राफेल विमान जैसे ही भारत पहुंचे, चीन ने उन्हें बदनाम करने और अपने तथा कथित पांचवी पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान Z-20 को राफेल से बेहतर बताने के लिए झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दिया। मगर जब भारतीय वायुसेना के पूर्व चीफ BS धनोहा और अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने चीन के एक भी लड़ाकू विमान के राफेल के सामने ना टिक पाने का दावा किया तो लगता है चीन ना केवल बैक फुट पर आ गया है बल्कि राफेल के मुकाबले के लिए बड़ी तैयारी भी कर रहा है। चीन के अंदर राफेल का कितना खौफ बैठ गया है इसका अंदाज़ा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि चीन ने एक राफेल के मुकाबले के लिए 3-3 विमानों की तैनाती की है। दरअसल भारत और चीन के बीच लद्दाख में LAC को लेकर तनाव अभी भी जारी है, मगर भारत के 5 राफेल आने के बाद चीन की टेंशन बढ़ गई है और बौखलाहट में उसने 28 जुलाई यानी राफेल के पहुंचने से एक दिन पहले ही आनन फानन में अपने 36 फाइटर जेट्स की तैनाती होतान एयरबेस पर कर दी। इन फाइटर जेट्स में 24 J-11 बम्बरशक हैं जो रूस में बने हैं, तो वहीं 6 पुराने J-8 फाइटर जेट्स और 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट्स जेट्स के अलावा 2 KZ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट और 2 MI-17 हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया है। वैसे तो राफेल से पहले भी होतान में चीन के बम वर्षक विमान थे, लेकिन सिर्फ तब 12 की तैनाती की गई थी जिसे अब बढ़ाकर 36 कर दिया गया है। अब ऐसे में देखा जाए तो बम वर्षकों में ये 300% का इजाफा किसी बड़ी साजिश की ओर संकेत करता है, क्योंकि चीन को पता है कि होतान से उसके सारे विमान वार करने में सक्षम नहीं है। तो वहीं दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकत रखने वाले चीन की हकीकत ये है कि इस शिनजियांग रीजन में मुश्किल टेरेन की वजह से उसके पास ढंग की एयर स्ट्रिप नहीं है। चीन की इस तैनाती से राफेल के बारे में अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट्स का ये दावा भी सच हो जाता है कि राफेल अमेरिका के पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 से सिर्फ एक कदम पीछे है और चीन को एक राफेल के मुकाबले के लिए अपने 3 जहाज तैनात करने पड़ेंगे। मगर फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि युद्ध की स्थिति में चीन के बम वर्षक सिर्फ होतान एयरबेस से ही उड़ान नहीं भरेंगे, वो काशगर और नागरी गुंसा एयरबेस से भी उड़ान भर सकते हैं, क्योंकि लद्दाख से काशगर की दूरी 350 किलोमीटर और नागरी गुंसा से 190 किलोमीटर है। तो वहीं चीन इसलिए भी खौफ में है क्योंकि उसके फाइटर जेट्स राफेल की तरह हवा में 12-12 घंटे नहीं उड़ सकते, यानी भारत के 5 राफेल भी उसका सारा प्लान फेल करने का दमखम रखते हैं। और MiG-29K और सुखोई जैसे फाइटर जेट्स तो पहले से ही लद्दाख में तैनात हैं।